नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभी तक में। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद वो ऐसे कई सवाल खड़े कर गए जिन्हें देखकर या तो लोग आंख मीच लिया करते थे या पूछने से कतराते थे। लेकिन उनके जाने के बाद अब लोग सवाल पूछने भी लगे हैं और उसका असर भी देखने को मिला है। बॉलीवुड को हिला देने वाली ये आग अब क्रिकेट की ओर बढ़ चली है। जी हाँ, क्रिकेट में नेपोटिज्म का प्रश्न उठाया है पूर्व भारतीय बल्लेबाज और आजकल अपनी कमेंट्री से सबका दिल जीतने वाले आकाश चोपड़ा ने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बेटे को लेकर कही है बड़ी बात। जानेंगे इस वीडियो में पूरी बात, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल में तो कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, असल में बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से देश भर में नेपोटिज्म का मामला गरमाया हुआ है। इस दौरान लोग भारतीय क्रिकेट में भी नेपोटिज्म की बात कहते हुए महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को ट्रोल कर रहे हैं। इस ट्रोलर्स को पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने करारा जवाब दिया है। आकाश चोपड़ा ने भारतीय क्रिकेट में नेपोटिज्म की बात से साफ इनकार करते हुए कहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अपने यूट्यूब चैनल में उन्होंने कहा है कि घरेलू क्रिकेट के छोटे स्तर पर नेपोटिज्म होता है, मगर भारतीय क्रिकेट के बड़े स्तर पर ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्टेट टीम में उन्होंने ऐसा देखा था जहां एक खिलाड़ी लंबे समय तक कप्तान रहा। वह किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि अधिकारी का बेटा था। वह अच्छा खिलाड़ी भी नहीं था, मगर ऊंचे स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने इसके लिए रोहन गावस्कर और अर्जुन तेंदुलकर का उदाहरण दिया है जो महान बल्लेबाजों के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेपोटिज्म होता तो सुनील गावस्कर के बेटे रोहन काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से खेलना शुरू किया था तब उसका सबसे बड़ा कारण बंगाल के लिए किया गया उनका शानदार प्रदर्शन था। सुनील गावस्कर ने अपने बेटे को मुंबई में खेलने नहीं दिया था। यही बात सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के लिए भी कही जाती है। अर्जुन को कुछ भी प्लेट पर परोसा नहीं मिला। अगर वो टीम इंडिया या फिर मुंबई के लिए खेलते हैं तो उसके पीछे उनकी खुद की काबिलियत होगी। उन्होंने कहा कि जब भी चयन की प्रक्रिया होती है तो वो पूरी तरह से प्रदर्शन पर आधारित होती है, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होता। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बाकी इंडस्ट्रीज की तुलना में क्रिकेट में नेपोटिज्म होता है। तो दोस्तों, फैसला आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट में भी नेपोटिज्म होता है या स्टार के बच्चों को पहले मौका दिया जाता है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।